शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखो ना मेरी तरफ, हटो यार, क्या कर रही है? हटो। पतिदेव का मूड खराब है। लगता है मूड बनाना पड़ेगा। क्या बात है, आज तो पति देव बहुत मूड में लग रहे हैं। तो फिर कैसे करते हैं बताओ? अच्छा ये छोड़ो, इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे यार वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, लेकिन मैं आ तो गया। और वो कहते हैं ना कि सब्र का जो फल होता है ना वो बहुत मीठा होता है ना। हाँ मैं चलता हूँ। जी कहाँ चले गए इतनी रात को? अरे आप
दो साल से हम ये रिलेशन में हैं, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तुम शादी से इतना डरते क्यों हो? तुम कब बात करोगे जीजा जी और दीदी से? बहुत जल्द बात करूंगा, एक बार वह सिलेक्शन खत्म हो जाए फिर बात करूंगा। मुझे इस घर में दम घुटता है, अगर तुमने मुझसे जल्द से जल्द शादी नहीं की ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? यार देखो मेरी तरफ, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पक्का? पक्का। ठीक है, कम जरा खुल के हंस के दिखाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आता हूँ, ठीक है? ओके। अरे नाराज काहे हो रही है, हम विशाल बाबू के दोस्त हैं ललन, यहाँ से गुजर रहे थे तो आप दोनों का प्रेम मिलाप देख कर रुक गए और हमारे फोन से आप दोनों की बढ़िया बढ़िया तस्वीरें निकाल दी। देखिए एकदम HD क्वालिटी में आई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी फोटो लेने की? इसे अभी क्या डिलीट करो। अरे कर देंगे डिलीट, इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन उससे पहले तुमको हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? विशाल बाबू को कहना कि दुर्गेश की पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी ज्वाइन कर, वरना शाम तक तुम दोनों की ये प्रेम मिलाप की सारी तस्वीरें दुर्गेश के पास पहुंच जाएंगी और उसको भी पता चल जाएगा कि उसका वफादार आदमी उसी की साली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। चलते हैं, प्रणाम, याद रखिएगा। ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? विशाल तुम्हारे जाने के बाद यहाँ ललन आया था। क्या? हाँ। विशाल अब हम क्या करेंगे? अगर उस ललन ने जीजा जी को और दीदी को हमारी फोटो दिखा दी तो शादी होने से पहले ही बवाल खड़ा हो जाएगा। टेंशन मत लो, हम वही करेंगे जो दोनों के लिए अच्छा होगा। पर कहो विशाल, कहा ऐसे दिलीप कुमार के जैसे लंबा पोज लेकर घबरा रहे हो? जो बोलना है बोलो ना। हम एक लड़की से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अबे ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले बताना चाहिए था, इसमें काहे घबरा रहे हो? वाह क्या बात है, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हें पसंद कर लिया? भाभी वो आप लोग जानते हैं उसे? हम लोग जानते हैं उसे, कौन है वो? एक मिनट रुकिए, मैं उसे लेकर के आता हूँ। ये है वो लड़की। अरे ये तो सुमन है, लड़की कहाँ है? भैया यही है वो लड़की जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिससे हम शादी करना चाहते हैं और प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से रिश्ता जोड़ने की? अपनी हैसियत से बाहर के ना सपने मत देख। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
कुछ बोलेंगे? हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि इस फटीचर को इतना सर मत चढ़ाइए, देख लिया ना नतीजा। अरे इसे कोई नहीं मिली, मेरी बहन मिली थी। हमको मंजूर है बे। सच में भैया? सच में क्या बोल रहे हो विशाल, गले लगाओ, आओ आओ। बहुत खुश है हम, बहुत खुश। आप जानते नहीं भैया कि कितनी बड़ी खुशी दी है हमें। तुम भी बहुत बड़ा सरप्राइज दियो बे। अब बस अब इलेक्शन निकल जाने दो, उसके बाद में तुम दोनों का शादी धूमधाम से कराएंगे। ठीक है। अरे कहाँ चल दी है, कहाँ जा रहे हैं? हम अभी आते हैं भैया, बस एक छोटा सा काम है, अभी निपटा कर आते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। अरे साली साहिबा, इतनी बड़ी खुशखबरी अपने हाथों से हमको, तुम मिठाई नहीं खिलाओगी? हाँ जीजा जी, मैं लेके आती हूँ। जब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आपने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? जिस लड़के के खानदान का पता नहीं है, जो हमारी हैसियत का नहीं है, उससे हम अपनी बहन की शादी कभी नहीं होने देंगे, समझे आप? अरे आप काहे अपना खून जलाती हो, गुस्सा नहीं करते हम? शांत रहो, शांत रहो। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हम उसका साथ चाहिए, उसके साथ के बिना हम हार जाएंगे। तुम तो जानती हो कि हमको हार मंजूर नहीं। हम आपसे साफ साफ कह दे रहे हैं, उस फटीचर के साथ हम अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे, समझे ना? शादी के लिए हाँ किया, अभी शादी तो नहीं हुई ना। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।